हमारे वजन का अंदाजा तो हो गया होगा। मुंबई जगह की कमी है, प्राइवेसी हैंडल करने के लिए थोड़ा तो हैंडल करना पड़ेगा ना। हेलो दोस्तों, लेके आगे एक और वेबसाइट इसके साथ जिसका नाम है चावला और एपिसोड नंबर 2। एक लड़का है रोनित नाम का, मुंबई आया मामा मामी, वो भी सोते ले मामा मामी के यहाँ रहता है, पर अब उसको नहाने जाना होता है तो वो अपने कपड़े खोलता है तो वहाँ पर एक भाभी रहती है रेनू, वो उसको देखती है, उसको भी भाभी को कुछ कुछ होने लगता है, प्यार होने लगता है। अब वो नहाने जाता है तो नहाता है तो वहाँ रखी हुई थी ब्रा और पैंट, अब दोनों रखी हुई थी, पर बाहर जो रेनू थी और उसकी ननन दोनों बातें करती है। ननन बोलती है, तुझे पता है वो अंदर गया हुआ है? हाँ गया हुआ है ना। अरे तुझे नहीं पता अंदर क्या है रखा हुआ है? क्या? अरे वो चीज़ें रखी हुई है ना। अच्छा, तो उसको ना तोलमाल करके साइज का पता चल जाएगा, किसका कितना बड़े हैं, किसके कितना बड़ा संतरा है वो पता चल जाएगा उसको। तू क्यों टेंशन लेती है रानी? नो टेंशन लो। और इतने में बंदा वही चीज करता है, ब्रा और पैंटी को उठाता है, ब्रा की साइज पता करता है और चुमता है, और पैंटी को लेता है और सूंघता है और फिर रख देता है, और फिर बंदा बाहर आके मामा मामी के साथ बैठ जाता है। कमाल का काम करता है रे बाबा, ये तो छोरा छोरी ने लाइन जावे रे, और सो काम करे रे। अब यहाँ पर इतना ही नहीं, जब सब बैठे होते हैं खाने के लिए, खाना खाते हैं, तो भाभी जो है रेनू, वो बैंगन का भरते से नफरत करती है, बैंगन का भरता उसे अच्छा नहीं लगता है, तो वो बैंगन कभी नहीं बनाती है। तो भाभी भी बोल देती है, सबको बैंगन खाने का मन कर रहा, बैंगन जब बैंगन में गुण ही नहीं होता है तो खाने का क्या मतलब होता है? तो उसका पति बोलता है बानो कि हाँ यार बात तो सही है, बात तो लॉजिक कर की है। अब इधर जो बैठा था रोनित, वही बोल देता है अरे जिसकी वाइफ लॉजिक वाली वाइफ है, लॉजिक बताती है हर एक चीज में, तो सब हंसने लगते हैं। उधर उसका बाप भी हंसने लगता है, तो जिसे माँ को पता पड़ता है बाप हंसने लग गया, जिसे माँ घूरती है तो बाप की हंसी तू 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 मामे की हंसी रुक जाती है, तो क्योंकि पत्नी जब गुस्सा होती है तो पति की जो आंखें, जो हंसता हुआ चेहरा लाल हो जाता है, रुक जाता है। तो इसी तरह की वेब सीरीज है एपिसोड 2, यही एंड करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना।